तो दोस्तों, अगर हम पोको F1 के बारे में बात करेंगे तो 20,000 के नीचे 845 चिपसेट में देकर ये जो फ़ोन शायोमी ने मार्केट में लेके आया था, पूरा मार्केट को हिला के रख दिया था। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ माइनस पॉइंट भी था जो पोको या फिर शायोमी ने लगातार अपडेट दे दे के ठीक कर रहा था। तो लगभग सभी चीज़ ठीक हो गया। इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। लास्ट अपडेट के बाद इसमें आपको वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं हुआ है नोटिफिकेशन के लेकर। नोटिफिकेशन जो आता है वो पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर कुछ अपडेट आया था उसमें आपको 2 सेकंड तक दिखाई देता है, नोटिफिकेशन आता है, फिर 2 सेकंड रहता है, फिर वापस चला जाता है। मैं आज इस वीडियो में पोको F1 का जो नोटिफिकेशन आता है वो परमानेंटली रखने के लिए एक टिप्स आपको बताऊंगा। उसके बाद जो पोको F1 का नोटिफिकेशन है वो परमानेंटली आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैं हूँ और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं पोको F1 में हम कैसे नोटिफिकेशन को परमानेंटली रख सकते हैं। पोको F1 का नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ही बात हुआ था। पहले तो नोटिफिकेशन दिखाई ही नहीं देता था, फिर एक अपडेट आया 2 सेकंड में दिखाई देता है। अभी भी कुछ लोगों चाहते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन परमानेंटली रहे, जब तक ना वो हाथ से स्वाइप करे तब तक वो नोटिफिकेशन रहना चाहिए। तो मैंने एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप के मदद से आप ये कर सकते हैं। इसके लिए रूट का भी ज़रूरत नहीं, आप बूटलोडर अनलॉक का भी ज़रूरत नहीं, और बीटा वर्जन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। आपके पास जो वर्जन चल रहा है वही वर्जन में ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मोबाइल में ये कैसा होता है। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है आप पूरा पूरी दिख रहा है। देखिए, पहले वो आ रहा है, 2 सेकंड में चला जाएगा, फिर ये नोटिफिकेशन परमानेंटली रहेगा। तो जब तक हम हाथ से ऐसा स्वाइप नहीं करेंगे तब तक ये नोटिफिकेशन रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन एक बहुत कमाल का चीज़ है। यहाँ पर आपको क्लॉक देखने को मिलेगा, क्लॉक के नीचे ये नोटिफिकेशन आ रहा है। आप चाहे तो जिधर भी खुश इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको लिखना है नोच नोटिफिकेशन, नोच नोटिफिकेशन फॉर MIUI, पहले वाला जो ऑप्शन आएगा उसको आप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ये देखिए, नोच नोटिफिकेशन फॉर MIUI। तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाने के बाद जितना भी परमिशन मांगेगा वो आप दे दीजिए, उसके बाद इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेफ्ट पैडिंग, टॉप पैडिंग, आइकन सेटिंग, आइकन साइज, पूरा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका इसका एक प्रो वर्सन भी मिलता है। प्रो वर्सन में आपको इतना सारे चीज़ स्क्वायर जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर कलर में भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन प्रो वर्सन का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस वर्सन में ही चला जाएगा। तो अब इसका जो सेटिंग्स है आप देखिए, सेटिंग ध्यान से देखिए। यहाँ पर लेफ्ट पैडिंग, तो अभी मेरे जो नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पर लेफ्ट में रखा है। तो अगर आपको लेफ्ट में अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसको राइट कर सकते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक वाला चीज़ वो जा रहा है उसको आप जहाँ पर घस प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लेस कर देंगे तो ये हो गया 807 हो गया। तो उसके बाद अगर हम सेव बोलेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन मेरा राइट तरफ आ गया। तो आपको थोड़ा सा नीचे या फिर ऊंचा करना है तो टॉप पैडिंग में जाइए। टॉप पैडिंग में जाके ये जो ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक आप जहाँ पर रखेंगे वो वाला नोटिफिकेशन वहाँ पर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं नीचे कर दिया, देखिए नोटिफिकेशन नीचे आ गया। तो आपको नीचे नहीं करना है, आप सेटिंग ठीक से रखिए, जैसा पहले था मेरा ऐसा ही रखना है आपको, थोड़ा सा ऊपर। और उसके बाद आइकॉन साइज, ये नोटिफिकेशन का साइज़ आप कितना होगा इसमें आप सिलेक्ट कर सकते। 30 इज़ बेस्ट साइज़ है, 30 मैंने जितने सारे चीज़ देखा है, तो 30 आप कर लीजिए। या फिर अगर 30 में आपका पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर जो कुछ अपना मर्जी से कर सकते हैं। मैं 40 कर दिया, देखिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन बड़ा हो गया। तो 30 एक्चुअल साइज़ है, आप 30 रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन के सर्कल के अंदर रख सकते हैं। देखिए, मैंने सर्कल सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद सेव बोल दिया, सर्कल के अंदर चला है। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑटो हाइट फॉर फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन में आपको ये ऑटो हाइट भी कर सकते हैं सेव करके। अगर आप चाहे तो आप ऐप इंस्टॉल करके ये चीज़ आप कर लीजिए। तो यही था नोटिफिकेशन का डिटेल्स पोको F1 का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा आप पोको F1 में कैसे नोटिफिकेशन को परमानेंट कर सकते हैं। और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर में डाल सकते हैं, और फिर आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जो नोटिफिकेशन का इशू है इसमें आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, और सेटिंग ठीक से आप कर लीजिए तो आपका कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, इतना ही, बाय।